हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। अभी जो बात हम बताने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप लोग उस बात से परिचित हो रखे होंगे, या अगर नहीं हो रखे हैं तो इस बात की संभावना निश्चित तौर पर होगी या दिल दिमाग में ये बात चल रहा होगा। कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या उसी तारीख को 16 दिसंबर 17 दिसंबर जो आपका झारखंड सचिवालय का या JSSC CGL का एग्ज़ाम होना था, हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बात पिछले एक सप्ताह से 10 दिन से बच्चे पूछ रहे हैं। जानकारी तो कुछ कुछ थी, हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमने उन बच्चों को अभी तक यही कहा कि निश्चित तारीख पर ही हो रहा था या हो रहा है। रीज़न ये था कि अगर बहुत पहले उनको ये बता दिया जाए कि नहीं, उस तारीख को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो पढ़ने का जो मूड होता है, जो टेम्परामेंट होता है, जो टेम्पो सेट कर रखा है आप लोगों ने, वो सारा रिदम लय ताल सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन वक्त के साथ ये बात निश्चित तौर पर सामने आएगी। अब आपको हम ये बता दें कि जो आपका निर्धारित तारीख था 16-17 दिसंबर, उस दिन आपका JSSC CGL का एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। हालांकि ये अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस के तौर पर नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट ये श्योर है कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। अब एग्ज़ाम कब होगा एग्जैक्टली अभी तो बता पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन जो इसकी अब संभावना बन रही है, जो सबसे पहले हो सकता है, वो है जनवरी। और अभी जनवरी मतलब कि मकर संक्रांति के बाद, इतना कम से कम आप तैयार हो जाएं। अब आगे जब डेट ऑफिशियली आ जाएगा कि ये अभी पोस्टपोन्ड हो रखा है, आगे कब होगा, तब हम लोग इसकी रणनीति पर बात करेंगे कि अब क्या करना चाहिए। निराशा वाला आलम तो निश्चित तौर पर होगा ये बात सुन करके, या जब कल की तारीख में या 2-3 दिन के बाद आप इसका ऑफिशियल नोटिस देखेंगे। लेकिन खैर, ये प्रक्रिया झारखंड में है तो चलता रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम झारखंड में बिना किसी विघ्न बाधा के और अपने निर्धारित तारीख पर हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल होता हुआ नज़र तो आया नहीं है। खैर, जो भी हो, आज हम आप लोगों के लिए ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर कल्पना कर लें कि उसी दिन जो अभी तक डेट था या है इनफैक्ट कह तो, अगर उस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाता तो आप कितना तैयार थे? झारखंड सचिवालय की परीक्षा में 20 क्वेश्चन आपके लिए साइंस से होंगे, जनरल साइंस से होंगे। तो आज आपका एक मॉक टेस्ट के तौर पर हम 20 क्वेश्चन डाल रहे हैं, और क्वेश्चन के लास्ट में आपको हम आंसर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप उसको सॉल्व करके और मुझ तक मार्क्स पहुंचा सके, या अपना आकलन कर सके कि अगर यही क्वेश्चन इमेजिन कर लें कि अगर यही क्वेश्चन होता 20 तो हम कितना तैयार थे, और अगर तैयार थे तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए और अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। और अगर मार्क्स कम आया है तो सोचने का विषय है कि इस दिन हो जाता तो क्या होता, तो आगे क्या करना है, इसी बात से स्पष्ट होता है कि और तैयारी करते रहनी है। चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं, और फिलहाल माइंड सेट कर लीजिए कि आपका डेट बढ़ने जा रहा है। एक बार ये फिर कहते हुए कि अभी ऑफिशियली इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ये आप तक पहुंच जाएगा। तो मॉक टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आप देखें, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 2, धातु एवं उनके अयस्कों के जोड़ों में कौन सही नहीं है? पारा, सिनेबार, जिंक, कैलेमाइन, पोटेशियम, मोनाजाइट, एल्यूमिनियम, मेलेकाइट। लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, आप देखिएगा उसको। नंबर 3, निम्न में से किसका उपयोग कीटाणुनाशक एवं छपाई में होता है? कॉपर सल्फेट, छपाई मतलब प्रिंटिंग, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड। नंबर 4, वैसे तत्व जिनका परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो तो वह क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, संभारिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक या फिर संयोजकता। नंबर 5, निम्न में से कौन सा हैलोजन ठोस अवस्था में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा हैलोजन ठोस अवस्था में पाया जाता है? स्टेटिन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन।
नंबर 5 था ये क्वेश्चन नंबर। हैलोजन का मतलब कि वैसे अत्यधिक क्रियाशील होने के वाले तत्व जो कि पृथ्वी में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, उनको हैलोजन कहते हैं। तो इनमें से कौन ठोस अवस्था में पाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 6, प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण होता है? प्रोपेन एवं ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, या फिर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन। नंबर 7, एलिसा थॉमसन के द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर इसको बोलते हैं, वेल्डिंग मशीन, रेयन या फिर रेयन और पैरासूट। नंबर 8, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? परमाणु के आधार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर, विद्युत ऋणात्मकता पर या फिर परमाणु संख्या पर। नंबर 9, समुद्री यात्रा के दौरान चक्कर आने से रोकने के लिए क्लोरोटीन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, ये अपने आप में एक आंसर है, जो किससे प्राप्त होता है, मतलब क्लोरोटीन किससे प्राप्त होता है? एसीटोन से, फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिटिक अम्ल से या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से। नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश मतलब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किन कारकों की आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल एवं ऑक्सीजन, क्लोरोफिल एवं जल, क्लोरोफिल ऑक्सीजन एवं जल और डी ऑक्सीजन एवं जल। नंबर 11, रिकेटसिया जीवाणु से निम्न में से कौन सा रोग होता है? रिकेटसिया जीवाणु से कौन सा रोग होता है? मम्स, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस या फिर टाइफस। नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स अधिक पाए जाते हैं? नीम की खल्ली, गोबर की खाद, हरी खाद या फिर रॉक फॉस्फेट। नंबर 13, क्षारीय भूमि को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? चूना के द्वारा, चुनाव लिखा हुआ उसको चूना पढ़िएगा, चूना, गोबर खाद, जिप्सम या फिर नीम की खल्ली, चुनाव को चूना पढ़िएगा प्लीज। नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि अल्टरनेटिव करंट किसके लिए उपयुक्त नहीं है? इलेक्ट्रिक मोटर चलाने के लिए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए, विद्युत शक्ति संचालन के लिए या फिर डी इलेक्ट्रिक टोस्टर गर्म करने के लिए। नंबर 15, वर्णहीनता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस किस एंजाइम की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, पता है किस एंजाइम की कमी से होता है? टायरोसिनेज, पेप्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर इन्वर्टेज। चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया, पढ़ लिया। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व पिच ऑफ वॉइस किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति और आयाम पर, केवल आवृत्ति पर, केवल आयाम पर या फिर डी दो स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर पर। नंबर 17, किस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर मतलब पेसमेकर ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स मतलब कि जनन ग्रंथि या फिर थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर। नंबर 18, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? दमा, एस्मा जिसको बोलते हैं, मलेरिया, मधुमेह मतलब डायबिटिक या फिर तीनों। 20 क्वेश्चन आपको आने हैं, 2 क्वेश्चन और हैं आपके एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन पूछेंगे। कल्पना कर लीजिए कि ये 20 क्वेश्चन अगर होता तो आप कहां तक तैयार थे। नंबर 19, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या अम्ल और खमीर जिसको अंग्रेजी में यीस्ट कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 20, लाल रंग का गुलाब का फूल नीले रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? काला, लाल, नीला या फिर सफेद। अब इसके बाद आपको 20 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप अपना आंसर देखिए, कोशिश कीजिए कि मुझ तक अपने मार्क्स को पहुंचाए।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये काम आप ही के लिए किया जा रहा है और आप शेयर करते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है, आपकी प्रतिक्रिया भी मेरे लिए ऊर्जा का काम करती है। चलिए फिर हम लोग आंसर देखते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक। आप अपने आंसर को आराम से मिला लीजिए और फिर देखिए। और अगर इस तरह का कोई टेस्ट और देना चाहते हैं, हम अलग अलग लेंगे, 150 करके एक बार नहीं ले पाएंगे, हम इसी तरीके से लेंगे। अगर ये अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम जीएस रिलेटेड, साइंस से या फिर झारखंड से, हम आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर मिला लिया होगा और खूब अच्छा स्कोर भी किया होगा।